व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है आपका रिशु बाबा के चैनल में। आई होप आप लोग सभी लोग बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज हम लोग घर में बनाने वाले हैं स्प्रिंग रोल्स, और वो स्प्रिंग रोल्स हमने आज कॉलेज में प्रैक्टिकल करा था, तो वही आज हम लोग घर में उसकी प्रैक्टिस करेंगे दोबारा से। तो अच्छा लगेगा घर वालों को भी, वो भी खाएंगे तो उनको देखते हैं कैसा लगता है ना। तो वही चीज़ आज हम घर में बनाएंगे अपने मम्मी पापा लोगों के लिए, देखते हैं गाइस। और ये होटल मैनेजमेंट में ना बहुत ज़्यादा बनाई जाती है इस वजह से, और क्योंकि जो इसमें हम लोग वेजेस काटते हैं ना वो बिल्कुल बल्की में काटते हैं, तो होटल में तो पता ही है ना कितना ज़्यादा गेस्टों के लिए बनता है, तो ये बहुत पसंद आती है गेस्टों को। तो उस वजह से जो नए नए बच्चे होते हैं ट्रेनिंग, जैसे हम लोग अभी जाएंगे तो हम लोगों को ये सब्जी हम ही लोगों को काटनी पड़ेगी, तो इसमें बहुत हाथ बहुत थकने वाला हमारा। तो देखो अभी अब बनाते हैं हम स्प्रिंग रोल। तो आप जो भी चैनल में नया है ना, आप लोग सब्सक्राइब करो रिशु बाबा व्लॉग को, ऐसे मज़ेदार कंटेंट हम आपके लिए लाते रहेंगे। तो चलिए फिर आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। तो फिर गाइस, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हैं हमारे कॉर्न्स। तो हमारे घर में अभी कॉर्न फ्लावर नहीं था, मतलब मक्के का आटा नहीं था। तो मक्के का आटा नहीं है तो क्या कर सकते हैं, अभी हम इसको पीसेंगे उसका आटा बनाएंगे। तो अब यही कर सकते हैं जुगाड़, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि सबसे ज़्यादा नीड स्प्रिंग रोल में मक्के के आटे की ही होती है, कॉर्न फ्लावर। ओके गाइस, तो अब हम इसको बनाते हैं जुगाड़ करके। इधर दिखा, हाँ। तो गाइस आप जैसे कि देख सकते हैं मैंने इसमें कॉर्न फ्लावर डाल दिया, उसमें थोड़ा पानी, और हम इसमें हम डालेंगे रिफाइंड फ्लावर मतलब मैदा। तो ये गया मैदा, हल्का सा थोड़ा सा मैंने पहले डाला था, और ये अभी और हल्का सा डालेंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी, और इसको थोड़ा आटे के जैसे गूंदना है पहले हल्का सा, जिससे लम्ब से ना रहे ना। और फिर हम इसमें पानी बहुत ज़्यादा जाएगा इसमें, इससे बहुत पतला सा बनेगा, और ये पतला बनने का ही इसमें हमें फ़ायदा है, क्योंकि इसको जितना हम पतला बनाएंगे उसका जो हमारा रोल का जो रोल बनेगा ना हमारा स्प्रिंग रोल का, वो पतला ही बनता है, क्योंकि तभी पूरा कड़क जैसा बनाएगा उसमें बिल्कुल। ओके, तो देखो अभी पतला बनाते हैं, और अगर फिर अभी हम इसको छानेंगे भी, छानने से क्या होगा जो उसके लम्स हैं मोटे मोटे, जो मैंने अभी वो मिक्सी में वो कराया ना, तो उसके मोटे मोटे हिस्से रह जाएंगे, तो छान के क्या होगा बाहर आ जाएंगे। ओके गाइस, तो देखो आप लोग बहुत मज़ा आने वाला है आज। तो गाइस आप जैसे कि देख सकते हैं हमारा बैटर बन चुका है, देख सकते हो कितना पानी पानी सा हुआ है। तो सेम ऐसा ही बनाना है आप लोगों को अभी, बिल्कुल ऐसा ही। अब हम इसको रख देते हैं थोड़ी देर के लिए साइड, अब हम काटेंगे यहाँ पर सब्जियाँ अपनी। ओके गाइस, तो गाइस अब हम इसको सब्जियाँ अपनी काटेंगे, और हमें इसको रफली रफली काटने, मतलब जूलियन कट काटने, मतलब लंबे लंबे। तो इसमें चाइनीज़ में तो पता ही आपको, चाइनीज़ में सब लंबे जाते हैं, तो हमें भी इसको लंबे लंबे कट काटने हैं, जैसे कि आप देखो इधर से। तो फिर गाइस देख सकते हैं यहाँ मैंने सब ये कटिंग कर दिए, ये देखो, और ये सब हमारा मीजा तैयार हो चुका है। और हम पहले इसका अंदर के जो स्प्रिंग रोल के अंदर हम स्टफिंग भरेंगे ना, इनकी भरेंगे। तो इसमें खाली गाजर कम है, मैं गाजर पूरे बिरिया में ढूंढ गया, कहीं मिला नहीं गाजर, तो क्या कर सकते हैं। अभी तेल गर्म हो रहा है, तो तेल गर्म करने का वेट करते हैं, और इन सब्जियों को फिर उसमें डालते हैं। ओके, तो गाइस अब हमारा तेल गर्म हो चुका है, तो अब हम इसमें डालते हैं अपने प्याज, इसको हल्का सा ब्राउन करेंगे। चम्मच नमक भी डाल लेते हैं, नमक। तो अब हम इसमें डालते हैं शिमला मिर्च, ये गई सब शिमला मिर्च। ओके, अब इसको भी हल्का सौते करेंगे, मतलब मिक्स करेंगे। तो अब हम इसके अंदर डालेंगे बंद गोभी, ये सब चलेगी बंद गोभी। अब दोनों को सबको मिक्स करते हैं, तो पकड़ते हैं पकड़ के, और हम मिक्स करते हैं।
तो अब हम इसमें डालेंगे हल्का सा मिर्च, हल्की सी हल्दी और इसमें हम थोड़ा गरम मसाला। ओके गाइस, तो अभी हम इसको मिक्स करते हैं। मेरे पास एक चिल्ली पाउच था तो उसको भी मैं इसमें डाल देता हूँ, इससे और बढ़िया टेस्ट आएगा। तो देखो मैंने डाल दिया और साथ में काली मिर्च ऊपर से। ओके गाइस, तो गाइस जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे हमारी वेजीज बन चुकी है। इसके अंदर हम स्टफिंग जो करेंगे ना, स्टफिंग करने के लिए पूरा रेडी हो चुका है। तो बस अब इसको हम थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख देते हैं, फिर हम इसका बैटर बनाते हैं। ओके गाइस, तो गाइस जैसे कि देख सकते हैं यहाँ मेरा बन गया है स्प्रिंग रोल। तो अब इसको तलते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। ओके, तो गाइस जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर स्प्रिंग रोल मेरे फ्राई हो रहा है, तो अब इसको हम काटेंगे फिर सर्व करेंगे। ओके, तो गाइस अभी हम लोग करेंगे इसमें थोड़ी अपनी स्प्रिंग रोल की गार्निशिंग, मतलब ड्रेसिंग करेंगे, जिससे गेस्टों को इंप्रेशन पड़ेगा ना, किसी को भी देंगे तो हम अच्छा लगना चाहिए। तो वैसे हम इसको अभी गार्निशिंग करते हैं छन्नी से। देखो आप लोग भी आटा डाल दें ऊपर से। अब हम इसमें रखेंगे अपने स्प्रिंग रोल्स। अब इसको हम थोड़ा सा सॉस से तो गाइस अभी मम्मी पापा तो है नहीं घर में, तो अभी रिया को मैं दे देता हूँ, अपनी बहन को, छोटी बहन को, उसके भी ऐसे जाएंगे खाने के लिए। तो मैडम लो स्प्रिंग रोल और चख के बताओ कैसा हुआ है। अच्छा हुआ है, कितना अच्छा हुआ है, बहुत अच्छा। चलो कितने, 5 में से कितने स्टार? 4.5। चलो बढ़िया है, 4.5 देख सकते हैं गाइस। थैंक यू।